और पे वाह। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, सब लोग रेडी हैं। और हम लोग जा रहे हैं, आज फ्राइडे है, छुट्टी है, और हम लोग जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। वही वाले जगह पे जाएंगे, चलो देखते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग निकलते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया है कि कहाँ जाएंगे, अभी जाते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहीं ना कहीं चलते हैं। मतलब अगर मनामा हुआ मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। इंडिया में न्यू ईयर मनेगा? न्यू ईयर और क्या? डैडी बोला है जुलाई में। कौन सा न्यू ईयर होता है? नहीं, दिसंबर में भी जाएंगे ना हम लोग। फिर आईफोन ले लो, नहीं तो आगे तुम शांति बनाओ। सो गाइस, आप लोगों ने कभी जुलाई में न्यू ईयर मनाया है? कमेंट करके बताना। डैडी बोला कि क्यों नहीं जाना है, जाने से कोई रोक नहीं सकता है। पहुंच गए हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं, ये बहुत ही प्यारी सी जगह है और हम यहाँ पे अभी फर्स्ट टाइम आए हैं। तो कैसा है ये डैडी बताएंगे? लुक्स गुड, अच्छा है। अच्छा है ना? यहाँ पे बहुत बहुत शांति, बहुत पीसफुल एरिया है, बहुत ही प्यारा। यहाँ पे लोग फिशिंग भी कर रहे हैं, हम आप लोग को दिखाते हैं। मछली पकड़ रहे हैं। आपको ये जगह कैसी लगा? इट्स ऑसम प्लेस, बहुत ही काम, बहुत ही पीस, बहुत ही ब्यूटीफुल है। कहा जाता है कि और बैकग्राउंड और आपको मतलब देख के ही लग रहा होगा कि ये कितना प्यारा जगह है, मतलब कितना प्यारा प्लेस है। yes. सच में। भी कर सकते हैं। हाँ, चलो 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 चलो, दिखाओ दिखाओ। चढ़ना मना है? पार्क उधर, अभी इधर थोड़ा घूम लेते हैं, फिर उधर चलेंगे। तो पहले मेरा मीडी दिखाओ। सो गाइज, यहाँ पे ये देखो आप मेरे पीछे कितना सुंदर यहाँ का व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये जो पानी दिख रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये सी है, समुद्र है। प्राइवेट जोन में कन्वर्ट कर इसको पूरा ऐसे ना, मतलब सेपरेट करके यहाँ पे ऐसा व्यू के लिए। और वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे मतलब उस साइड पे फिशिंग भी कर रहे हैं, मछली पकड़ रहे हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये जगह। हम पहली बार ही आए हैं, मतलब इस एरिया में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह है घूमने के लिए,
पर ये वाला भी नया नया ही बना है बेरिन में एक साल करके आपको लोगों को ना सारी चीजें। हाँ, और ये बेरिन में बेरिनी वुमेन्स को ये डेडिकेटेड है, ये जो आपको भी हमने स्टैचू दिखाया वीडियो में, ये तो ये बहुत ही मतलब नया बना, भी एक साल हुआ ही है इसको बने हुए, तो काफ़ी अच्छा है। इसके बैक साइड में पार्क भी है, सो ये घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। जो भी बहरीन में रहते हैं और हमारी वीडियोस देखते हैं वो इस जगह पे ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और किड्स के लिए भी बहुत अच्छा है। किड्स से पीछे पार्क वगैरह है, वहाँ पे अच्छे से खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। जब मम्मा यहाँ पे खड़ी थी तो मैंने इतने अच्छे अच्छे फोटो खींचेंगे, तो जो वीडियो में मम्मा थोड़े थोड़े फोटोज दिखाएंगे। तुम्हारा ये किधर है माइक? माइक है पास में, लगा लूँ? हाँ, दो दो दो। नैशा, नैशा को डैडी हमको मैंने बोला था पैंट पहन के आना स्कूल, लेकिन ये लड़की सुनती नहीं मेरी बात। बहुत ज्यादा फैशनेबल है हमारे घर में, इस पूरे टाइम बस मतलब फैशन के आगे चूर है, ड्रेस चाहिए यही सब बस फालतू चीजें पहनती है। और बोला था बाहर जा रहे बेटा पैंट पहन लो, लेकिन नहीं पहना इसने। अच्छा कि मैंने नहीं पहना, और आज मच्छर की। सो डैडी कैसा लग रहा है ये जगह? जगह अच्छी है ना, मैं बोली थी तो मेरा आना मतलब मेरा बोलना और तुम्हें लाना यहाँ पे वर्थ है, अच्छा लगा ना? और कितनी शांति है और यहाँ पे भीड़ भी नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है ना, मतलब एकदम फ्री। रमजान के चक्कर में भीड़ नहीं है। हाँ, अभी रमजान भी है तो इस वजह से भीड़, अभी रात में 9 बजे के बाद ही भीड़ होगी। सब बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं इसके दूसरे वाले साइड पे, और गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहरीनी वुमेन्स मॉन्यूमेंट अथर, द आर्किटेक्चर ऑफ द मॉन्यूमेंट इज रिप्रेजेंट्स फोर एसेंशियल एस्पेक्ट्स, फर्स्ट द सी एंड इट्स हिस्टोरिकल कनेक्शन विद द बहरीनी ट्रेडिशनल प्रोफेशंस एंड लाइफस्टाइल, शेडिंग लाइट ऑन द पास्ट रोल ऑफ बहरीनी वुमेन इन मैनेजिंग family and community affairs while the men were absent on fishing and pearl diving trips. The second aspect is women symbolizing. यहाँ पे इंग्लिश और अरबिक दोनों में लिखा हुआ है, सो यही मीनिंग है इस प्लेस का। अरे मम्मा चलो, यहाँ पे देखो स्कूटर लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं, जिन्हें भी चलाना है यहाँ पे करेगा, और स्कूटर यहाँ पे पूरे एरिया में आप घूम सकते हैं स्कूटर से। अब इन लोग को पार्क में खेलना है तो चलते हैं, बच्चों की भी विशेष को पूरी कर देते हैं, क्योंकि इनको जब तक ये खेलेंगे नहीं तब तक इन्हें चैन नहीं मिलेगा। यहाँ पे स्लाइड और स्विंग वगैरह लगे हुए हैं। तो गाइस ये जो ट्री है ये डेट्स का ट्री है, मतलब खजूर का पेड़ है ये, इसमें अभी गर्मियों में वहाँ पे इसके फल आ चुके हैं, अभी गर्मी स्टार्ट होगी तो इसमें पूरे खजूर आ जाएंगे, गर्मियों में ही आते हैं। यहाँ पे बस खजूर के ही पेड़ आप लोग को देखने को मिलेंगे, बस खजूर के ही पेड़ होते हैं यहाँ पे, खजूर की खेती होती है, तो अच्छा खासा इनका ये बिजनेस भी है यहाँ पे, एक्सपोर्ट होता है यहाँ से डेट्स अदर्स कंट्री में, यहीं से यहाँ से जाते हैं, मतलब गल्फ कंट्री में मोस्टली मतलब खजूर की खेती होती है।
मैं भी दूर हूँ। राधा स्लोली बेटा, वॉकिंग वॉकिंग करने के लिए अच्छी जगह है, खेलने के लिए। आगे जाकर उससे कनेक्ट हो जाना जो प्ले, हाँ किड्स किंगडम। सो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं। हाँ ये सीफ एरिया है, सीफ है ये। देखिए गाइस ये सारे हैं बिल्डिंग्स, छोटे छोटे ही हैं लेकिन लोकेशन बहुत प्यारी है बिल्डिंग की। तो अभी हमारे जो पति देव हैं ये इंजीनियर हैं और ये अभी यही बोल रहे थे कि अपना क्या बोल रहे थे, बिल्ला एक बनाएंगे ऐसा ही, कुछ स्ट्रक्चर कुछ डिटेल कुछ एलिवेशन, अपना कोई विल्ला बनाएंगे ना तो कुछ एलिवेशन वगैरह ये सब कॉपी करेंगे, लॉन का पैसेज एरिया बहुत सारी चीज़ें ना यहाँ से लेने वाली है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब सीख के आप अपना इंडिया में जाके वो चीज़ें कर सकते हैं। डैडी कुछ कह रहे थे आप, जैसे पार्क में जिस बेंच पे हम लोग बैठे हुए हैं ना, थोड़ा बेंच दिखा दो। हाँ ये बेंच है, ऐसा एक बेंच भी रहे, आदमी सुबह या शाम आके बैठे यहाँ पे चाय कॉफ़ी पिए, ठीक है। तो एक ग्रीनरी रहे ना तो उसमें आदमी का माइंड रिफ्रेश होता है, ऐसा करना चाहिए, घरों में होना चाहिए। घर में लोग क्या करते हैं कि जगह नहीं छोड़ते हैं, पूरे एरिया में रूम और ये सब बना देते हैं। मेरे ख्याल से अगर आप 2000 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं तो कम से कम नहीं तो 700 800 या 600 स्क्वायर फीट एरिया ना ऐसा लॉन एनी सब लिए आदमी को रखना चाहिए। थोड़ा ही रखना चाहिए पर रखना जरूर चाहिए क्योंकि वो अच्छा होता है और उसको पूरा अच्छे से बना के मेंटेन करके वो वैसी जगह होनी चाहिए घर में। सो किसी को भी आइडिया लेना है तो हमारे मिस्टर से ले सकते हैं, कमेंट में कमेंट कर सकते हैं आप हमें इस चीज़ के लिए, ये बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ देंगे। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स और लग्जरीज बिल्डिंग्स में बना चुके हैं ये, यहाँ पे बैरिन में 10 साल का एक्सपीरियंस है इनको बैरिन का। सो आइडियाज़ भी किसी को लेना हो तो वो ले सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट।